हाय, मैं हूँ आपका दोस्त, आपके चैनल का होस्ट महेंद्र मनवर। आज का एक ब्लॉग विशेष होने वाला है। मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ से कुरा विलेज, जहाँ हमारा दोस्त लोगों ने थोड़ा संडे का पार्टी इंजॉयमेंट के लिए रखा है, और वही का सारा नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेरे इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखिए, स्किप मत करिए। जा रहे हैं भैया पार्टी, आज जो है फिर से मटन पार्टी है, और वही पार्टी का नज़ारा मैं आपको हूबहू दिखाने वाला हूँ। और ये जो रोड है, ये रोड है औरंगाबाद की तरफ जाने वाला, भुसावल के नाहटा चौक पुलिस से जामनेर जाता है, और जामनेर से फिर आगे निकलता है पहूर। जो अजंता है, जो फेमस है, वो सिर्फ 65 किलोमीटर यहाँ से आपको आएगा। चैनल मोनो हुआ है, और इसी मोनो के बदौलत मैं दे रहा हूँ पार्टी। तो पूरा पार्टी का नज़ारा, वहाँ खेत का हरा भरा नज़ारा मैं आपको इस कैमरे के माध्यम से दिखा रहा हूँ। और ये देखिए भुसावल तालुका स्टेशन, पुलिस स्टेशन, उपविभागीय कार्यालय यहाँ है जामनेर रोड के ऊपर। और ये भुसावल का आईटीआई भी दिखा दे भाई, यही जामनेर रोड पे भुसावल का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था। और यहाँ बियानी मिलिट्री स्कूल भी जो है भुसावल का सुप्रसिद्ध है, बहुत दूर दूर से जो लोग यहाँ आते। अटल मधुमंदा भाई, कनाड़े 4 किलोमीटर, रेलाड़े 11, और वो यहाँ से वरंगाव भी सीधा रास्ता जाता है 11 किलोमीटर। जहाँ जहाँ भी मैं घूमता हूँ, वहाँ वहाँ के नज़ारे मैं बिल्कुल आपको दिखा देता हूँ। ये है वाराणसी, और यहाँ का जो खेती है, गन्ने का खेती होता है, केली का खेती होता है, और इरिगेशन वाला यहाँ का ज़मीन है, पानी का अच्छा है, क्योंकि यहाँ यही शहर से होके तापी नदी गुजरती है बहुत बड़ी। देख लीजिए आगे जा रहा है बंडी, दिखा दे भाई ये जलगांव, यहाँ से जा सकते हैं नसीराबाद से 26 किलोमीटर, और सूरज गांव करके एक राव पोस्टर दिखा दे भाई, ये 9 किलोमीटर है, और ये राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 के ऊपर ये रास्ता निकलता है, नसीराबाद है 13 किलोमीटर। और ये आ चुके हैं हम पूरे पाना से गांव में आ चुके हैं, और ये देखिए रेणुका माता का मंदिर, वही का रास्ता हम क्लियर कर दिखाए, चौरंगीनाथ नगर कुरे पाना से यही से हमको जाना है भाई। बखिया गांव में जब जाते हैं तो बकरियां दिखती है, बकरियां। जो मंदिर है बहुत ही मतलब पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, वहां लोग दर्शन करने जाते हैं। और पार्टी भी हमारी इधर, जो हमारे दोस्त का जो खेत है वही खेत में हमारी पार्टी है। तो चलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको पार्टी का सारा नज़ारा, और सारा रास्ता आप देख लीजिए, या खेत खलियान का रास्ता। धीरे 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 करके हम जो है आगे जा रहे हैं, हमारे लोग जो, और वो देख लीजिए बहुत ही मतलब खड़बड़ा ऐसा ही रास्ता है, और थोड़ी देर में जो है हम जा रहे हैं पार्टी की तरफ। और देखिए ये इसको बोलते हैं मराठी में, ये इधर गाड़ रास्ता बोलते हैं, लेकिन हमारे जो विदर्भ में जो है पांदन बोलते हैं, पांदन का रास्ता, क्योंकि जो है क्या है दोनों तरफ से खेत रहते हैं और बीच बीच जो है रास्ता निकलता है। कैसे कैसे रास्ते से हमको गुजरना पड़ता है, क्योंकि संडे के दिन में हमारी जो बाइक है भैया, हम कहीं भी घुमा लेते हैं धीरे 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 करके। और देख लीजिए आया है चढ़ाव का रास्ता, और हमारी बुलेट है तो भैया कहीं भी चढ़ जाती है, ऐसा कुछ नहीं। और ये आ गया है पार्टी का रास्ता। अभी आ चुके हम यहाँ बादशाह के खेत में फिर से पार्टी बनाने के लिए। वो देखिए वहाँ बन रहा है हमारा मटन, और अभी मटन बनने के लिए आधा घंटा थोड़ा सा बाकी है, तो तब तक हम ज़रा खेत में से राउंड मार के आते हैं और वहाँ खेत का नज़ारा आपको दिखाते हैं।
तो देख लीजिए ये चल रहे हैं हम धीरे 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 धीरे, थोड़ा सा मुझे करना है ट्रैकिंग, और ट्रैकिंग करते करते पूरा नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं संडे को जो है पूरा एंजॉय करता हूँ, ट्रैकिंग करता हूँ और खेत खलियानों में थोड़ा सा घूमता हूँ। ये जो मेरे पीछे जो है ये सारा का सारा रोड है, लंबा जाना मुझे जाना है, और इधर के साइड में हमारा दोस्त लोगों के साथ हो रहा है पार्टी। आज का जो ब्लॉग है वो संडे ब्लॉग है, संडे ब्लॉग में थोड़ा सा हम एंजॉय ज़रूर करते हैं, तो इसी के लिए अभी ये देखो ये पाउटी से मैं चलते चलते जा रहा हूँ। पॉजिटिव थिंकिंग से आदमी ने रहना चाहिए, जैसी ज़िंदगी है जितनी अपनी इनकम है उतने ही इनकम में आदमी ने खुश रहना चाहिए। देखिए घूमने फिरने के लिए कोई ज़्यादा पैसा खर्चा आता नहीं है। आज है संडे और इस संडे ब्लॉग में मैं घूम रहा हूँ दोस्त लोगों के साथ में, कभी कभी मैं अकेला ही घूमता हूँ, और अपने विचारों को ज़रूर अपने कैमरे के माध्यम से रखता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी दो पल का क्षण है, वो कब आदमी कौन से दिन गुजरेगा इसका पता नहीं रहता है, तो इसीलिए जो है जैसे सैटरडे या संडे आता है तो मैं ज़रूर घूमता हूँ, वॉक करता हूँ, और अपने सेहत को फिट रखने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको भी अपने लाइफ में अगर फिट रहना है, खुद को तंदुरुस्त रखना है, तो ऐसी पहाड़ों में ऐसी जंगलों में एक दिन जो है भटकंती करना चाहिए। ज़िंदगी के दो पल आराम से गुजारो, और अपना जो जीवन है अपनी जो लाइफ है वो जो है निरोगी रखो, ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाल रखो, यही मेरे इस ब्लॉग के माध्यम से आपको कहना है। ये मैं कर रहा हूँ ट्रैकिंग, क्योंकि ये चढ़ाव वाला रास्ता है, तो धीरे 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 मैं ऊपर तक जा रहा हूँ, और आपको जो है चलते चलते मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ। अब इस जंगल में जो है और क्या क्या दिखने को मिलता है मैं आपको ज़रूर परिचित करवाऊँगा। ये पेड़ जो है इसको बोलते हैं पलस का पेड़, इसको जो है ना जब अभी थोड़े दिन में आप अभी होली आएंगी तो होली के दिनों में इसी पेड़ को रंग बिरंगी फूल आते हैं, दिखा दे भाई पेड़ को। और अभी होली को टाइम है, शायद अभी फरवरी महीना ही चल रहा है, तो एक महीने के बाद अगर आप ये पेड़ के पास आएंगे तो फूल ही फूल आपको दिख जाएंगे। तुमने देखा कि कुछ बेर हमको खाने को मिलेंगे, लेकिन भाई देख फरवरी महीने में जो है ये एक भी बेर नहीं है इस बेर के पेड़ को। देखिए ये जो पेड़ जो है एक अलग प्रकार से, ये दशहरे के टाइम में जो है इसका जो पत्ते है ये एक दूसरे को हम लोग गिफ्ट देते हैं, सोना तो बहुत महंगा होता है तो पत्ते वाला सोना इसको बोलते हैं, और वो एक दूसरे को देख के जो है प्यार से जो दशहरे में हम एक दूसरे के गले मिलते हैं। हमारे महाराष्ट्र में जो जड़ी बूटी है ये बोलते हैं इसको कमर मुड़ी का पाला, और ये कमर मुड़ी का पाला बहुत इस्तेमाल होता है, आप इसका रस निकाल के पी सकते हैं, तो पेट की बीमारी जो है भैया आपकी ख़त्म हो सकती है। और ऐसी जगह पे अगर आप चोटीले हो जाते हो, चोट लग जाती है, जैसे मेरे हाथ को पीछे चोट लगी, तो यही कमर मुड़ी का पाला मैंने यूज़ किया था। ये देखिए ये कपास का पौधा मैं आपको दिखा रहा हूँ, कि इस प्रकार की कपास के पौधे जिससे कॉटन बनता है, और जिससे बाद में इसी से कपड़े बुने जाते हैं और हम लोग पहनते हैं। ये इधर पूरा जंगल ही जंगल है, और एक जगह पे हम खड़े हुए, सावल दिख रहा है, रोड दिख रहा है, वही रोड हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं ये खेत खलियान वाला ब्लॉग को यहाँ समाप्त करना चाहूँगा। अगर ये मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब के भाई पैसे नहीं लगते हैं।